सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को पीयूषम दूत पाठ आया हूँ, पाठ 20 समय प्रज्ञा अध्यापन करा रहा हूँ। सावधान होकर सुने। कश्चन ग्राम आसीत, कोई गांव था, तत्र कश्चन युवक आसीत, वहाँ कोई युवक था, तस्य नाम दुर्गादास, उसका नाम दुर्गादास था। सबुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान था। एकदा सर्वे ग्रामीणा रात्रौ निद्रायां मग्नो आसन, एक दिन सभी ग्रामवासी रात्रि में निद्रा में डूबे हुए थे, मग्न थे। तदा कुतश्चित चौरह चोरह इति आक्रोश ध्वनि श्रुतः, उसके बाद कहीं से चोर चोर ऐसी ध्वनि सुना गया। सर्वे ग्रामवासिनः तत् श्रुत्वा, सभी ग्रामवासी यह सुनकर त्वरया उत्थाय, शीघ्रता से उठकर लवित्रम दंडः इत्यादि आयुधानि स्वीकृत्य, भाला दंडा इत्यादि शस्त्रों को लेकर ध्वनि श्रुतः, जतः ध्वनि श्रुतः, जहाँ से आवाज आई थी, सुना गया था, तत्र समायातः, वहाँ आ गए। तत्र दुर्गादास दृष्ट्वा सर्वे चोरः कुत्र अस्ति, वहाँ आकर दुर्गादास को देखकर सभी लोगों ने कहा चोर कहाँ है, इति पृष्ठवन्तः, ऐसा पूछा। दुर्गादास समीपे स्थितम न्यग्रोध वृक्षम दर्शितवान, दुर्गादास ने समीप में स्थित बरगद के वृक्ष की ओर दिखाया। सर्वे न्यग्रोध वृक्षम परितः, सभी लोग न्यग्रोध बरगद के वृक्ष के चारों ओर स्थित बनतः खड़े हो गए। तथा चोरः कुत्रापि धावितुम न शक्नुयात, क्योंकि चोर कहीं भी दौड़ न सके, भाग न सके, चारों ओर से वृक्ष को घेर लिया। चंद्रस्य प्रकाशे, चंद्रमा के प्रकाश में कोपि चोरः न दृष्टः, कोई भी चोर नहीं दिखाई दिया। किंतु तत्र वृक्षमूले कश्चन व्याघ्र आसीत, वहाँ वृक्ष के जड़ में कोई बाघ था। सलंघनम कृत्वा ततः धावितुम उद्युक्तः आसीत, वह छलांग मारकर भागने के लिए तत्पर था। तदा एव तेषु जनेषु अन्यतमः, तभी उन लोगों में एक अद्वितीय, केभ्यश्चित दिनेभ्य पूर्वम, किस एक दिन पहले किसी को अंधकारे, अंधकार में, अंधेरे में एक जन, एक व्यक्ति को अनेन एव मारित, इसने ही मारा था। अपरः परणितः कृतः, और दूसरे को घायल कर दिया था। ऐसा अवश्य मारणीय, इसलिए यह अवश्य ही मारने योग्य है, ऐसा कहा। अनुक्षणमेव जनाः तदुपरि पाषाण खंडान क्षिप्तवन्तः, उसी क्षण लोगों ने उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकना शुरू कर दिए। सव्याग्रह वृक्ष मूलतः कूर्दनम अकरोत, उस बाघ ने वृक्ष के मूल से जड़ से कूदा। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर लवित्रय दंडैश्च ताडयित्वा, भाले और दंडे से मारकर तम व्याघ्रम मारितवन्तः, उस बाघ को मार दिया। अनंतरम जना दुर्गादासम दृष्ट्वा, उसके बाद लोग दुर्गादास को देखकर किं भो, क्या रे, नरमांस भक्षकः व्याघ्रः आगतः, मनुष्य के मांस को खाने वाला बाघ आया है। भवान तु चोरः चोरः इति किमर्थम आक्रोशम कृतवान, कहा कि नर के मांस को खाने वाला बाघ आया है, लेकिन आपने तो चोर चोर ऐसा क्यों कहा, इति पृष्ठवंत, ऐसा पूछा। दुर्गादास मंद हासम पूर्वकम, दुर्गादास मंद मंद मुस्कुराते हुए, हास्य करते हुए कहा, यदा अहम चोरः चोरः इति आक्रोशम कृतवान, जब मैंने चोर चोर ऐसा आवाज लगाया, ध्वनि किया, तदा भवन्तः सर्वे आयुधैः सह गृहात् बहिः आगतवन्तः,
तब आप सबों ने शस्त्रों के साथ घर से बाहर आए, परंतु यदि अहम व्याघ्र व्याघ्र इति आक्रोशम अकरिष्यम, यदि मैं बाघ बाघ ऐसा ध्वनि करता है तरही किम भवंतः सर्वे आगमिष्यन्, तब क्या आप लोग सभी आते। गृह द्वाराणि सम्यक् कीलयित्वा, घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर ठोक कर अंतः एवं अस्थास्यन् भीतर ही रह जाते। अतः एवं अहम चोरा चोरा इति आकृष्टवान, इसलिए मैंने चोर चोर ऐसा ध्वनि किया इति उक्तवान, ऐसा कहा। सर्वे जना दुर्गा दासस्य समय प्रज्ञां श्लाघितवन्तः, सभी लोगों ने दुर्गा दास के समय की बुद्धि पर की प्रशंसा किया। बच्चों कहानी है कि किसी गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम दुर्गादास था। वह अति बुद्धिमान था। एक दिन सभी गांववासी रात में सोए हुए थे तो तब कहीं से चोर चोर ऐसा ध्वनि सुनाई दिया। सभी ग्रामवासी वह सुनकर शीघ्रता से उठकर डंडे और भाले को हाथ में लेकर जिधर से ध्वनि आवाज सुनाई पड़ी थी उधर चले आए। इसके बाद दुर्गादास को देखकर चोर कहाँ है ऐसा पूछा। दुर्गादास ने समीप में स्थित बरगद के वृक्ष को दिखाया। सभी लोग बरगद के वृक्ष के चारों ओर खड़े हो गए ताकि कहीं से भी चोर भाग ना पाए। चंद्रमा के प्रकाश में कोई भी चोर नहीं दिखा, किंतु उसके वृक्ष पर कोई बाघ था। वह लांघ कर छलांग मार कर दौड़ने के लिए तत्पर था। तभी उन लोगों में एक ने कहा कि दिन अन्य दिन एक दिन पहले इसी बाघ ने अंधेरे में एक व्यक्ति को मार दिया था और एक को घायल कर दिया था, इसलिए इसको अवश्य मारना चाहिए, मार देना चाहिए। उसी क्षण सभी लोगों ने पत्थर के टुकड़े उसके ऊपर उस बाघ के ऊपर फेंकना मारना शुरू किए। वह बाघ वृक्ष के मूल से कूदकर कूदा। सभी मिलकर डंडे भाले से पीट कर उस बाघ को मार दिए। इसके बाद लोगों ने दुर्गादास को देखकर कहा कि क्या नरमांस भक्षक बाघ आया है, और तुमने तो कहा कि चोर है, ऐसा क्यों दो आवाज किया लगाया, ऐसा पूछा। दुर्गादास मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि यदि मैं चोर चोर कहता तो आप लोग चोर चोर न कहता तो आप लोग भाले लाठी के साथ घर से बाहर नहीं आते, परंतु जब मैं बाघ बाघ कहता तो अच्छी तरह से दरवाजा को बंद करके कील ठोक कर घर में ही रहते, घर के बाहर नहीं आते। अतः मैंने चोर चोर ऐसा ध्वनि किया, ऐसा आवाज लगाया। सभी लोग दुर्गादास की समय प्रज्ञा को देखकर समय प्रज्ञा की प्रशंसा की। बच्चों के व्याघ्रम मारितवंत, क्वेश्चन है कि बाघ को किसने मारा, तो सर्वे ग्रामीणा मिलित्वा व्याघ्रम मारितवंत, सभी ग्रामवासी मिलकर बाघ को मार दिए। अनेन पाठेन शिक्षा प्राप्यते, यत् इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि समय पर बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन से सभी कार्य की सिद्धि होती है, कार्य में सिद्धि होती है। दुर्गादास कह चोरा चोरा इति आक्रोशं कृतवान, किसने चोर चोर ऐसा आक्रेश किया। दुर्गादास चोरा चोरा इति आक्रोशं कृतवान, दुर्गादास ने चोर चोर ऐसा आक्रोश किया। धन्यवाद बच्चों, आपको 20 पाठ का प्रश्नोत्तर बताया, अब आप इसे अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और इसको याद करेंगे। अब आपको पाठ 21 अध्यापन कराया जा रहा है भारत भूषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की महत्ता इसमें बताई गई है। भारत भूषा संस्कृत भाषा बिलसत हृदये हृदये,
संस्कृति रक्षा राष्ट्र समृद्धि भवतु ही भारत देशे। श्रद्धा महती निष्ठा सुदृढ़ा स्यान कार्यरतानां स्वच्छा वृत्तिरे नव उत्साहो यत्नो बिना विरामम। कभी चाहते हैं कि संस्कृत भाषा भारत की आभूषण हो भारतवासियों के और प्रत्येक भारतीयों के हृदय में यह सुशोभित हो। संस्कृत की रक्षा राष्ट्र की समृद्धि भारत देश में संस्कृत भाषा से ही हो सकती है। इसके प्रति भारतीयों के हृदय में दृढ़ निष्ठा हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, इस कार्य में लगे हुए लोग स्वच्छा वृत्तिर नव उत्साह, स्वच्छ वृत्ति से नए नए उत्साहों से बिना यत्न के बिना रुके हुए नहीं विक्षिप्त विकार और मन में किसी प्रकार का विकार नहीं हो। पदम निधेयं सततम सत्यपि कष्टे विपत्ति कदापि वयम नयामो विरतिम। सत्य के प्रति आगे बढ़ते जाए, विपत्ति में भी कभी न रुके, हम लोग न रुके, ऐसी संस्कृत भाषा हमारे हृदय में विराजमान हो। श्वासे श्वासे रोमसि धमनिषु संस्कृत वाणी क्वननम चेतो वाणी प्राण काय संस्कृत हिताय नियतम। मेरा प्रत्येक श्वास में संस्कृत हो, मेरे धमनियों में संस्कृत की वीणा की झंकार झंकृत हो, मेरी हृदय में मेरी वाणी में मेरे शरीर में संस्कृत के कल्याण के लिए निहित हो। स्वसि भी प्राणि भी संस्कृत वृद्धि नमामि संस्कृत वाणी। श्वासों में प्राणों में संस्कृत की वृद्धि के लिए संस्कृत वाणी को हम लोग प्रणाम करते हैं। पुष्टि तुष्टि संस्कृत वाक्ता संस्कृत वाणी से पुष्टि और तुष्टि मिलती है। तस्माद्रितेन किंचित वह सदा आदरणीय है, कभी भी वह निरादर करने योग्य नहीं है। कहता है कवि कि ना हम याचे हार मानम न चापि गौरव वृद्धिम नो सत्कारम वित्तम पदवीम भौतिक लाभम किंचित। कहा कि मैं मुझे हार और सम्मान नहीं चाहिए, नहीं गौरव की वृद्धि चाहिए, नहीं तो मुझे सत्कार चाहिए, न धन चाहिए न पद चाहिए, मुझे भौतिक लाभ की भी कोई चिंता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कवि की क्या अभिलाषा है? कवि कहते हैं कि अस्मिन् दिवसे संस्कृत भाषा, जिस दिन संस्कृत भाषा बिलसे जगति समग्रे भव्यम तन महद अद्भुत भूदृश्यम कांचे मिंचि तुमाशु। जिस दिन संस्कृत भाषा पूरे संसार में सुशोभित होगा वह महान दृश्य होगा, ऐसा ही मेरी आकांक्षा है, जिज्ञासा है। मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में पटल पर संस्कृत भाषा सुशोभित हो, संस्कृत बोले जाएं, संस्कृत में लोग काव्य रचना करें, संस्कृत में आचरण करें, संस्कृत भाषा की ओर श्रद्धा और प्रेम रखें, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। बच्चों, भारत के आभूषण है, श्रृंगार है संस्कृत, क्योंकि संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृते सकला कला। संस्कृत में समस्त ज्ञान विज्ञान के भंडार पड़े हुए हैं, समस्त कलाएं हैं। संस्कृते सकलम शास्त्रम, आपका शास्त्र धर्म शास्त्र आपकी संस्कृति संस्कृत भाषा में ही संरक्षित है। इसलिए कवि चाहता है कि ये वाणी के आभूषण है, ऐसे संस्कृत भाषा भारतीयों के हृदय में सुशोभित हो, संस्कृति की रक्षा राष्ट्र की समृद्धि संस्कृत भाषा से ही हो सकती है। यह देववाणी है, देवता लोग
इसे सुनकर प्रसन्न होते हैं। संस्कृत भाषा के प्रति दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अपने स्वेच्छा से इस भाषा में के प्रति उत्साह होनी चाहिए। बिना रुके हम, बिना विश्राम के, मेरे चित्त में विकार न, बिना विकार के निर्विकार चित्त से हमें संस्कृत के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। संस्कृति और संस्कृत की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। हमारे प्रत्येक श्वासों में, धमनियों में संस्कृत वीणा की झंझनाहट सुनाई देनी चाहिए। मेरे हृदय में, वाणी में, शरीर में संस्कृत के लिए कार्य होना चाहिए लगातार। हमारे श्वासों में, प्राणों में संस्कृत की वृद्धि के लिए, संस्कृत वाणी के विकास के लिए प्रयत्न होना चाहिए। हम ऐसे संस्कृत वाणी को नमस्कार करते हैं जिस जो संस्कृत की पुष्टि तुष्टि से के प्रति हमें आदर की भावना रखनी चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह से संस्कृत की उपेक्षा नहीं होने देनी चाहिए। कवि कहते हैं कि मुझे न हार चाहिए, न मान चाहिए, न गौरव चाहिए, न सत्कार चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, ना ही तो मुझे भौतिक सुख की आकांक्षा है। जिस दिन संस्कृत भाषा पूरे संसार में सुशोभित होगी, वह महान अद्भुत दृश्य होगा। मेरी यही आकांक्षा है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा हो, संस्कृत के प्रति आदर के भाव हो। धन्यवाद बच्चों। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखें। अस्य पाठस्य भावार्थ, अभी आपको मैंने बता दिया इस पाठ का भावार्थ है कि जिस दिन संस्कृत भाषा हमारे पूरे विश्व में सुशोभित होगी, संस्कृत भाषा भारतीयों के हृदय में सुशोभित होगी, वह अद्भुत दृश्य होगा, वह महान दिवस होगा। संस्कृत के प्रति भारतीयों के हृदय में श्रद्धा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, इसका यही भाव है। दूसरा प्रश्न है कि अस्मिन् पाठे कवि का आकांक्षा अस्ति, इस पाठ में कवि की क्या आकांक्षा है? तो अस्मिन् पाठे कवि आकांक्षा अस्ति संस्कृत भाषा भारतीय नाम हृदय विलसतु, संस्कृत भाषा भारतीयों के हृदय में सुशोभित हो और संपूर्ण संसार में संस्कृत का प्रयोग हो, पठन पाठन हो, यही कवि की अभिलाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारत संस्कृत से कीदृशी स्थिति, आधुनिक भारत में संस्कृत से दयनीय स्थिति अस्ति, अच्छी स्थिति नहीं है। लोग संस्कृत की उपेक्षा के भाव से देखते हैं और कहते हैं कि यह संस्कृत भाषा मृत भाषा है, मरी हुई भाषा है, इसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, अनुपयोगी भाषा है। ऐसे लोग संस्कृत भाषा को देखते हैं उपेक्षा के भाव से। संस्कृत के पाठक, पढ़ने वाले, बोलने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा उपेक्षा के भाव से देखी जाती है। यही स्थिति आधुनिक भारत में है। संस्कृतस्य उन्नति केनोपायेन भविष्यति, कवि कहते हैं कि प्रश्न है कि संस्कृत की उन्नति किस उपाय से होगी। यदा भारतीय संस्कृत वाणी वदन्तु, जब भारतीय लोग संस्कृत वाणी भाषा को बोलेंगे तब संस्कृतस्य उन्नति भविष्यति। संस्कृत को अपनी भाषा, देव भाषा, अपनी संस्कृति के संरक्षण करने वाली भाषा जब लोग, भारतीय लोग मानेंगे तभी संस्कृत भाषा की उन्नति हो सकती है, अन्यथा नहीं। बच्चों धन्यवाद, मैंने आपको 21 पाठ अध्यापन कराया, अब आप 22 पाठ प्रियम भारतम, भारतवर्ष की जय हो, इसको देखें। प्रियम भारतम, मेरा प्रिय भारत, राजता में मनसी न प्रियम भारतम, हमारे मन में प्रिय भारत सुशोभित हो। द्योतितम तत्स्वरूपम लसतु शाश्वतम, उसका भारतीय, भारतवर्ष का जो स्वरूप है वह मेरे हृदय में सुशोभित हो, सुसज्जित हो। मेखला विंध्य गोदावरी जाह्नवी, मस्तकम हिमगिरे सागरो नूपुरम, भारतवर्ष की कमरधनी क्या है? तो भारतवर्ष के
कमरधनी कटी प्रदेश में पहनने वाला आभूषण होता है, गहना होती है जो कमर में पहनाया जाता है शरीर के बीच के मध्य भाग में। तो भारतवर्ष के मध्य भाग में क्या है तो विंध्य पर्वत है और गोदावरी गंगा आदि नदियां हैं, और मस्तक क्या है मस्तक पर्वतराज हिमालय हैं और उनके पायल के घुंघरू हिमालय भारतवर्ष के निचला भाग पग भाग क्या है तो हिंद महासागर है। राजता में मनसिनः प्रियं भारतम्, मेरे मन में प्रिय भारत सुशोभित हो। शिव दधीचि प्रभृति भिस्तथा सेवितां चंद्रशेखर भगत सिंह बिस्मिलं प्रियं गण गांधिना यत् प्रदत्तं स्वकं जीवनं प्राण सर्वस्व दानैः कृतार्थी कृतं राजता मे मनसिनः प्रियं भारतम्। शिवि दधीचि आदि राजाओं ने ऋषियों ने अपने अस्थि पंजर देकर जिसकी रक्षा की है, चंद्रशेखर भगत सिंह बिस्मिल्ला खां महात्मा गांधी आदि ने अपना सर्वस्व दान देकर अपना प्राणार्पण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर दिया है, ऐसे भारतवर्ष मेरे हृदय में सुशोभित हो, मेरे मन में विराजमान हो। स्वप्नदर्शी प्रजातंत्र संपोषकम् विश्वनेत्री प्रियम नेहरू पंडितम् शास्त्री राजेंद्र अब्दुल हमिदादिकम् पुत्र जातम् लब्ध्वादि दर्पान्वितम्। स्वप्नदर्शी प्रजातंत्र के संपोषक विश्व नेतृत्व करने वाले प्रिय नेहरू पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री राजेंद्र प्रसाद अब्दुल रहीम आदि पुत्र ने इस भूमि में जन्म पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस किया, ऐसे भारतवर्ष मेरे हृदय में सुशोभित हो। सैन्य दक्षां च विज्ञान प्रौद्योगिकीं विस्तृतं कर्तुम् अग्रेसरं यत् सदा राष्ट्र चिंता परम श्रम परम चानिशम हर्षितम वीक्ष सर्वत्र मोदान्वितम राजता मे मनसि न प्रियं भारतम्। सैन्य दक्षता वैज्ञान प्रौद्योगिक आदि क्षेत्रों को विस्तार करने में अग्रसर राष्ट्रीय चिंता से परे परिश्रम से युक्त रात दिन राष्ट्र की चिंता में राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्थान के लिए तत्पर रहने वाले भारतवर्ष को देखकर हमारे हृदय में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा भारतवर्ष मेरे हृदय में सुशोभित हो विराजमान हो। बच्चों कभी कहते हैं कि हम भारतीयों के मन में भारत देश सुशोभित हो, इसका स्वरूप निरंतर लगातार मेरे मन में विराजमान हो। जिस देश के मेखला कमरधनी विंध्य पर्वत जाह्नवी गोदावरी आदि नदियां हैं, जिसके मस्तक हिमालय पर्वत है, जिसका पायल के घुंघरू पायल पैरों के पांजेब हिंद महासागर है, ऐसा भारतवर्ष हमारे हृदय में सुशोभित हो। जिस देश की रक्षा के लिए शिवि दधीचि आदि ऋषियों ने आदि राजाओं ने अपना अस्थि पंजर दान देकर जिसकी रक्षा की थी, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह बिस्मिल्ला खां आदि ने जिसके गौरव को बढ़ाया था, महात्मा गांधी ने अपने तन मन धन न्यौछावर करके प्राण अर्पण करके अपने जीवन को कृतार्थ किया था, ऐसा भारतवर्ष हमारे हृदय में विराजमान हो सुशोभित। स्वप्नदर्शी प्रजातंत्र के पोषक विश्व नेतृत्व प्रिय पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री राजेंद्र प्रसाद अब्दुल रहीम आदि
पुत्र ने इस देश में जन्म धारण करके इस देश के गौरव को बढ़ाया, ऐसा भारतवर्ष हमारे हृदय में सुशोभित हो। भारत की सैन्य दक्षता, विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में विस्तृत अग्रसर करने के लिए भारतीयों ने रात दिन परिश्रम करके इसको आगे बढ़ाया, यह देखकर मेरे मन में हर्ष उत्पन्न हो रहा है। ऐसे भारतवर्ष हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विद्यमान हो। धन्यवाद बच्चों, आज मैंने आप लोगों को 3 पाठ अध्यापन कराया, 20, 21 और 22। आप इस पाठ का प्रश्नोत्तर देखें, भारतीय संस्कृत भारतम काम विधान विस्तृतम कर्तुम अग्रेसरम वर्तते, कहते हैं भारत है, किस प्रकार से विधि से भारत को अग्रसर करने के लिए तत्पर है, तो भारत सैन्य दक्षता, विज्ञान प्रौद्योगिक आदि क्षेत्र को विस्तार करने में अग्रसर है। महात्मा गांधी क्या करके अपने जीवन को कृतार्थ किया था, महात्मा गांधी ने सर्वस्वम प्राणम दत्वा, अपना सर्वस्व और प्राण देकर अपना जीवन को कृतार्थ किया था, कृतार्थी कृतवान। भारतस्य मेखला के सन्ति, भारत के मेखला कौन है, तो भारतस्य मेखला विंध्य पर्वत गंगा गोदावरी आदि नदियां सन्ति, विंध्य पर्वत गंगा गोदावरी आदि नदियां भारत की मेखला है। मेखला का मतलब होता है कमरधनी, या आप लोग लगाते हैं बेल्ट, वह भी कह सकते हैं, जो कि शरीर के मध्य भाग में लगाया जाता है। तो भारत के मध्य भाग में विराजमान विंध्य पर्वत है, गंगा गोदावरी आदि नदियां हैं। धन्यवाद बच्चों, आप इसके प्रश्नोत्तर को याद करें और अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारें।